नमस्कार, ओम शांति। मैं हूं आंचल और आप देख रहे हैं पीस न्यूज। बुलेटिन की शुरुआत से पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। महाराष्ट्र के औरंगाबाद में नव निर्वाचित शिव शक्ति भवन का उद्घाटन केंद्रीय अर्थ राज्य मंत्री डॉक्टर भागवत कराड और संस्थान की ज्वाइंट चीफ बी के संतोष की उपस्थिति से माहौल हुआ खुशनुमा। महाराष्ट्र के सोलापुर में ईश्वरीय सेवाओं के 50 साल पूरे होने का जश्न, बी के सोमप्रभा की मनाई गई 75वीं सालगिरह। बोरीवली ईस्ट के राज्यों का मेडिटेशन सेंटर की ईश्वरीय सेवाओं के 18 साल पूरे, धूमधाम से मनाया गया जश्न, फिल्मी हस्तियां हुई शामिल। पिछहत्तरवीं आजादी के अमृत महोत्सव से स्वर्णिम भारत की ओर, भारत सरकार के संस्कृति एवं पर्यटन मंत्रालय एवं ब्रह्म कुमारीज द्वारा संयुक्त राष्ट्र अभियान विविध प्रभागों द्वारा स्वर्णिम भारत की निर्मिति के लिए संपूर्ण देश में सामाजिक एवं आध्यात्मिक जन जागृति के लिए सेवा कार्य कर रहे हैं। औरंगाबाद शहर के सिडगो N2 महालक्ष्मी चौक पर इस अभियान का शुभारंभ तथा नव निर्वाचित शिव शक्ति भवन के उद्घाटन का समारोह साथ में आयोजित किया गया। इस अवसर पर एक शानदार स्टेज प्रोग्राम के तहत बेहद सेवा का आगाज किया गया, जिसमें कार्यक्रम के उद्घाटन के तौर पर भारत सरकार के केंद्रीय अर्थ राज्य मंत्री डॉक्टर भागवत कराड, संस्थान की ज्वाइंट चीफ पी के संतोष पहुंचे। उनके आने से जैसे कार्यक्रम में चार चांद लग गए। विशेष अतिथि के तौर पर विधानसभा सदस्य अतुल सावे, विधान परिषद सदस्य अंबादास दानवे, मुंबई से कॉर्पोरेट ट्रेनर बीके ईवी गिरीश भी इस सुंदर कार्यक्रम का हिस्सा बने। इस कार्यक्रम के ईश्वरीय निमंत्रक औरंगाबाद सेवा केंद्र प्रभारी बीके शीला ने सभी अतिथियों का स्वागत किया। समारोह में आए अतिथियों ने भारत को स्वर्णिम बनाने के लिए हर भारतवासी की भूमिका को अहम बताया। साथ ही बीके संतोष ने भी अपने सुविचार सभी के साथ साझा किए। मनुष्य जीवन में समय ये बहुत बड़ा खजाना है। दूसरे जो खजाने हैं, अगर वो चले जाते हैं तो आप उसका संग्रह भी कर सकते, उसको वापस ला सकते, परंतु समय का खजाना जाने के बाद उसको कोई लौटा नहीं सकता। तो इसीलिए हमारे को समय को सफल करना है। इस भारत देश को और पूरे दुनिया को शांति कैसा मिले, अध्यात्म कैसा बढ़े, इसी की तरफ ले जाने की कोशिश कर रहे। सबकी थिंकिंग पॉजिटिव या एक विचारधारा बदलने का जो इस सेंटर के माध्यम से काम होता है, उसके लिए मैं सभी का बहुत बहुत शुक्रिया करता हूँ। कार्यक्रम में बीके संतोष और बीके शीला ने गणमान्य अतिथियों को श्री कृष्ण की प्रतिभा भेंट कर उनको सम्मानित किया। ऐसे ही महाराष्ट्र के सोलापुर में ईश्वरीय सेवाओं के 50 साल पूरे होने और सोलापुर सब जोन प्रभारी बी के सोमप्रभा दीदी की 75वीं सालगिरह बड़े ही धूमधाम के साथ मनाई गई। जन्म दिवस के अवसर पर भरा गगन मिल जाए, जन्म दिवस के अवसर पर भरा गगन मिल जाए, सोमप्रभा दीदी का अमृत वर्ष मनाए। खुशी के इस मौके पर सांसद डॉक्टर जय सिद्धेश्वर शिवाचार्य महास्वामी, सोलापुर विद्यापीठ के कुलगुरु डॉक्टर मृणाली फडणवीस, पूर्व विधायक निर्मल ताई ठोकर, समाज सेवा प्रभाग के राष्ट्रीय संयोजक बी के प्रेम, कर्नाटक बेलगावी सबजोन प्रभारी बी के अंबिका, कर्नाटक के गुलबर्गा सबजोन प्रभारी बी के विजया समेत पूरे सोलापुर सबजोन की वरिष्ठ बी के बहने उपस्थित रही और अपनी अपनी शुभकामनाएं व्यक्त की। मैं याचना करता हूं, प्रार्थना करता हूं, सोमप्रभा दीदी को 100 साल जीने तक जो है पूर्ण कृपा आशीर्वाद जो है ब्रह्मा जी आपका हो, इस तरह मैं प्रार्थना करता हूं। परमात्मा शिव बाबा के कार्य को अपना कार्य समझ करके ईश्वरीय कार्य में अपने 200 नाखून का जोर लगाते हैं, ऐसी बहनों में हमारी यह सोमप्रभा बहन है। अपना तन मन धन समय शक्ति संकल्प से इतना परिवार बढ़ा दिया है। हर बच्ची सुलाई हो विश्व की खबर,
अब बात करते हैं मुंबई के बोरीवली ईस्ट की, जहां राजयोगा मेडिटेशन सेंटर की ईश्वरीय सेवाओं के 18 साल पूरे हुए। सादी खुशी की बात ये भी रही कि दत्तापाड़ा रोड और प्रभु उपवन राज्यों केंद्र को जोड़ने वाली सड़क को बीएमसी द्वारा प्रभु उपवन मार्ग का नाम दिया गया। इस खुशी को पूरे उमंग उत्साह के साथ सेलिब्रेट किया गया। इस सुंदर मौके पर एमएलए सुनील राणे, नगर सेविका आशावरी पाटिल, अभिनेत्री प्रतिमा और अरुणाचलम कानन, शशि शर्मा, विशाल कोठारी, बोरीवली सब जोन प्रभारी बीके दिव्या प्रभा समेत प्रभु उपवन एवं साथ के कई सेंटर्स के बीके सदस्य मौजूद रहे, जहां सभी ने केक कटिंग कर इस खुशी को सेलिब्रेट किया। कार्यक्रम में बच्चों ने एक से बढ़कर एक सांस्कृतिक प्रस्तुतियां दी, जिसका सभी ने भरपूर आनंद लिया। चेन्नई के अदियार सेवा केंद्र पर ग्रेटर चेन्नई कॉर्पोरेशन के 75 सफाई कर्मचारियों के लिए सम्मान समारोह आयोजित किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ उर्बासर समिट के असिस्टेंट जोनल कोऑर्डिनेटर रमेश, सब इंस्पेक्टर तिरुनावु करसु, रोका एसोसिएशन की सेक्रेटरी जननी, वरिष्ठ राज्य शिक्षिका डॉक्टर बीके मुत्तुमणि समेत कई पदाधिकारियों ने दीप प्रज्वलित कर किया। इस दौरान बीके सदस्यों ने कार्यक्रम में मौजूदा लोगों को मेडिटेशन से जीवन को स्ट्रेस फ्री बनाने का मार्ग बताया। कार्यक्रम में हिस्सा लेने आए कर्मचारियों ने भी अपने अपने अनुभव सभी के साथ शेयर किए। इसके साथ ही वहां की पीके बहनों ने सभी कर्मचारियों को सम्मानित किया। रक्तदान मानव जीवन का एक महत्वपूर्ण दान है, जिसकी किसी को कभी भी आवश्यकता पड़ सकती है, और यही हमें इस जीवन में रक्त की बूंद की कीमत कराती है। जिस प्रकार शरीर में रक्त की आवश्यकता है, ठीक उसी प्रकार जीवन में आध्यात्मिक ज्ञान योग की भी आवश्यकता होती है। इसी आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए गुजरात राजकोट के मेहुल नगर स्थित दिव्य दर्शन सेवा केंद्र के प्रांगण में आजादी के अमृत महोत्सव से स्वर्णिम भारत की ओर थीम के अंतर्गत रक्तदान महादान निशुल्क सर्व रोग जांच फ्री दवाई शिविर का आयोजन किया गया, जिसका शुभारंभ नाथारणी ब्लड बैंक रोग विशेषज्ञ डॉक्टर्स की टीम, पीआई कैया बैन, सीनियर राजयोगा टीचर बीके अंजू, सेवा केंद्र प्रभारी बीके चेतना, समाज सेवा ग्रुप के चेयरमैन चिराग, बीके मोनिका बेन समेत कई डॉक्टर्स ने दीप प्रज्वलन कर किया। उसके बाद रक्तदान और सर्व रोग जांच की शुरुआत हुई। इस शिविर का करीब 100 लोगों ने लाभ लिया। संस्थान के कृषि एवं ग्राम विकास प्रभाग के संयुक्त तत्वाधान में आत्मनिर्भर किसान अभियान, जो संपूर्ण भारत के करीब 1000 स्थानों पर निकाला जा रहा है, इस अभियान का शुभारंभ मध्य प्रदेश के मंडला सेवा केंद्र पर आयोजित हुआ, जिसका उद्घाटन राज्यसभा सांसद संपतिया उइके, कृषि मंडला की उप संचालिका मधु अली, सहायक संचालिका माया हिरकने, वरिष्ठ वैज्ञानिक डॉक्टर विशाल मिश्राम, महाराष्ट्र पुणे से बीके नीलम, बीके लक्ष्मी, बीके पूजा समेत कई पदाधिकारियों ने दीप प्रज्वलित कर किया। इस मौके पर बीके ममता ने किसानों की दशा व दिशा को सुधारने के लिए आत्मनिर्भर अभियान की विशेषताएं व लक्ष्य को विस्तार से बताया। वहीं मंडला सेवा केंद्र द्वारा समाधान परक पत्रकारिता से समृद्ध भारत की ओर विषय पर मंडला के पत्रकारों के लिए कार्यक्रम रखा गया। इस कार्यक्रम में श्रमजीवी पत्रकार परिषद जिला अध्यक्ष नीरज अग्रवाल, सेवा केंद्र प्रभारी बीके ममता, बीके ओमलता समेत कई वरिष्ठ पत्रकार उपस्थित रहे, जहां नीरज अग्रवाल ने संस्थान के कार्यों की प्रशंसा करते हुए कहा कि यह एक मात्र ऐसी संस्था है जिसकी जड़ें गांव-गांव तक फैली है। बीके ममता ने सभी पत्रकारों को इस आध्यात्मिक वातावरण में आने के लिए धन्यवाद किया एवं ईश्वर सौगात से सम्मानित किया। भारत की आजादी के 75 साल पूरे होने की खुशी में 12 मास चलने वाले महोत्सव के अंतर्गत महाराष्ट्र के कलवा सेवा केंद्र द्वारा मेंस क्रिकेट टूर्नामेंट आयोजित किया गया। मुकुंद केनी स्पोर्ट्स ग्राउंड में आयोजित इस टूर्नामेंट की विशेषता यह रही कि इसमें खेल खेल के साथ अध्यात्म को साथ लेकर कैसे ज्यादा सफलता पाई जाए, यह दर्शाया गया है। आपको बता दें, 4 टीमों के बीच ये गेम खेला गया। इस टूर्नामेंट का फाइनल मुकाबला स्पिरिचुअल स्पार्कलर्स और रूहानी वॉरियर्स के बीच रहा, जिसमें रूहानी वॉरियर्स की टीम विजयी रही। टूर्नामेंट के अंत में विजेता और बाकी के खिलाड़ियों को मेडल एवं ट्रॉफी दी गई और सभी प्रतिभागियों को सर्टिफिकेट ऑफ पार्टिसिपेशन दिया गया। मध्य प्रदेश जबलपुर के जय भीम नगर सेवा केंद्र द्वारा यातायात जागरूकता हेतु रैली का आयोजन किया गया। रैली का शुभारंभ ग्वारीघाट थाना के टीआई भूमेश्वरी चौहान, कटंगा कॉलोनी सेवा केंद्र प्रभारी बीके विमला, सेवा केंद्र प्रभारी बीके आरती ने किया। इस रैली में संस्थान से जुड़े कई सदस्यों ने भाग लिया। ये रैली शहर के कई मार्गों से निकाली गई, जहां लोगों को जागरूक किया गया।
इस मौके पर बीके बहनों ने सभी से नियमों को सदा पालन करने की शपथ कराई। कोरोना काल के लंबे अंतराल के बाद महाराष्ट्र के उल्लासनगर सेवा केंद्र द्वारा बच्चों के लिए समर कैंप लगाया गया, जिसमें छोटे से लेकर के बड़े बच्चों ने भी बहुत रुचि से भाग लिया। 15 दिन के इस कैंप में बच्चों को एकाग्रता, स्मरण शक्ति को बढ़ाना, मेडिटेशन, सच्चाई सफाई, स्टेज फियर समेत कई और भी एक्टिविटीज कराई गई। बच्चों को अंत में इनाम एवं सर्टिफिकेट दिए गए। इस कैंप में बच्चों से मिलने शहर के आमदार कुमार एलानी, शहर के नगर सेवक जुमनू पुरुषवानी, सेवा केंद्र प्रभारी बीके सोम समेत कई बीके सदस्य उपस्थित रहे। वहीं दूसरी तरफ अमृत महोत्सव की जन जागृति के लिए एक परेड भी निकाली गई, जिसमें अनेक बच्चों ने भाग लिया। इस परेड में बच्चे भारत के कोई न कोई लीडर बनकर आए थे और प्रेम, एकता, शांति और विकास का नारा लगाया। इस परेड में पूर्व आमदार पप्पू कालानी, बीके सोम, बीके पुष्पा समेत शहर के इंजीनियर, डॉक्टर्स एवं संस्थान के कई सदस्य शामिल हुए। अब कुछ खबरें एक नजर में। दया और करुणा के लिए आध्यात्मिक सशक्तिकरण अभियान की कर्नाटक के चिकमगलूर में लॉन्चिंग सेरेमनी। एडिशनल SP NS श्रुति, हायर ग्रेड असिस्टेंट कमिश्नर डॉक्टर HL नागराज, सेवा केंद्र प्रभारी बीके भाग्य लक्ष्मी समेत शहर के कई गणमान्य लोग हुए शामिल। छत्तीसगढ़ के कोरबा सेवा केंद्र द्वारा श्रमिकों को किया गया सम्मानित। आध्यात्मिक ऊर्जा पार्क में आयोजित कार्यक्रम में महापौर राजकिशोर प्रसाद, हृदय रोग विशेषज्ञ डॉक्टर KC देवनाथ, सेवा केंद्र प्रभारी बीके रुक्मणी समेत कई पदाधिकारी रहे मौजूद। कार्यक्रम में अतिथियों एवं बीके बहनों ने कर्मचारियों को सम्मानित कर बढ़ाया मनोबल। पश्चिम बंगाल के मालदा कॉलेज के ऑडिटोरियम में राज्यों का महत्व और सकारात्मक चिंतन विषय पर प्रोग्राम। माउंट आबू से आए बीके भगवान ने तनाव से मुक्ति के लिए राज्यों को बताया संजीवनी बूटी। वहीं बीके जयंती ने कहा, मानसिक और शारीरिक बीमारियों से बचने का एक राजयोग ही कवच है। हमें न्यूज भेजने के लिए peacenews@godlywoodstudio.org पर मेल करें और पीस न्यूज बुलेटिन देखने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल पीस न्यूज गॉडलीवुड को सब्सक्राइब करें। आज के बुलेटिन में बस इतना ही। और नई खबरों के साथ आपसे फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए लेती हूँ इजाजत। नमस्कार, ओम शांति।